दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं प्लेइंग विद डॉल्स पार्ट 1 और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि आने वाले पार्ट्स आप सबसे पहले देख सकें। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है और सबसे पहले हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जिसमें दो लोग पुलिस ऑफिसर और गार्ड बुरी तरीके से लड़ाई कर रहे होते हैं और वह एक दूसरे को काफी बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। और तभी दूसरी तरफ हमें एक ब्लैक लेडी को भागते हुए दिखाया जाता है और उस लड़की का पीछा एक मास्क पहना हुआ किलर कर रहा होता है जो बुरी तरीके से लाल खून से लथपथ होता है। तभी हमें जहाँ पर पुलिस और गार्ड की लड़ाई हो रही होती है तभी हमें वहाँ पेड़ पर एक वार्निंग बोर्ड दिखाया जाता है जिस पर लिखा होता है कि यहाँ से आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो लड़की भाग रही थी उसके पेट से काफी खून बह रहा होता है और वह लड़की किलर से बचते हुए तेजी से भाग रही होती है, लेकिन वो किलर उस जगह से पूरी तरह से वाकिफ होता है और वह उस लड़की का पीछा नहीं छोड़ता और आखिर में किलर उस लड़की को पकड़ लेता है। इसके बाद लड़की उस किलर से माफी मांगती है कि वह उसे छोड़ दे, लेकिन वो किलर बड़ा ही बेरहम था और वह उस लड़की को मार कर बेहोश कर देता है। इसके बाद उस लड़की की आवाज पुलिस ऑफिसर और वह गार्ड सुन लेता है। तभी पुलिस ऑफिसर गार्ड से कहता है कि अगर हमने जल्दी से कुछ नहीं किया तो अगली बारी हमारी हो सकती है, यानी कि हम उस किलर द्वारा मारे जाएंगे। तभी गार्ड उसकी बात नहीं सुनता और उसे दोबारा से बुरी तरह से पीटने लगता है। इसके बाद मजबूरन पुलिस ऑफिसर अपनी गन निकाल लेता है और उसे शूट कर देता है और शूट करने में जो गोली की आवाज आई थी वो दूसरा ऑफिसर सुन लेता है जो कि अपने बॉस को कॉल करके बताता है। लेकिन वह उस ऑफिसर से कहता है कि अगर कोई भी जंगल से बाहर से इंसान आए तो तुम उसे गोली मार सकते हो। तभी वह गार्ड उस पुलिस ऑफिसर को दूर से गोली मार देता है जिसके बाद वो पीछे की ओर गिर जाता है, पर हमें ये तक नहीं पता चलता कि वह पुलिस ऑफिसर मरा है या फिर जिंदा है। इसके दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि किलर ने उस लड़की को कांटे वाले तारों से पेड़ पर बांध के रखा है। तभी जब वह लड़की होश में आती है तो वह खुद को इस तरीके से तारों में बंधा देखकर चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल पाती क्योंकि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। इसके बाद किलर और हरकत करता है जिसके बाद वह लड़की के कपड़े काट देता है जिसके कारण वह धीरे धीरे वह लड़की के चेस्ट को काटने लगता है और वहां से निकल रहे खून को एक ग्लास के अंदर डाल लेता है और लड़की पूरी तरीके से तड़प रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि किलर लड़की के पेट में जोर से चाकू मारता है जिसके कारण वह पूरी तरीके से चिल्ला रही होती है और उसके पेट में हाथ डालकर वहां से मांस के टुकड़ों को निकाल लेता है जिससे कि वही उस लड़की की मौत हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यह बैठे हुए अपने कंप्यूटर में देख रहा होता है क्योंकि जंगल में हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे और वह एक बहुत ही ज्यादा अमीर व्यक्ति था और वह इस तरीके से लड़कियों को देखना बहुत ज्यादा पसंद करता था, इसलिए उस अमीर आदमी ने एक किलर रखा हुआ था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हम सैंडी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने कमरे में बहुत उदास बैठी हुई थी क्योंकि उसके फ्रेंड सभी सामान को बेचकर वहां से चली गई थी और अब उसके पास उस घर के अलावा कोई भी सामान नहीं था। तभी वहां मकान का मालिक आ जाता है और वहां आकर उससे पैसे मांगने लगता है, लेकिन तभी सैंडी के पास जितने भी रुपए थे वह उसे दे देती है और वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन मकान मालिक कहता है कि यह रुपए तो काफी कम है, जिसके बाद वह उससे अपने साथ रात गुजारने के लिए कहता है। लेकिन तभी सैंडी को गुस्सा आ जाता है और वह मालिक को वहां से भगा देती है, इसलिए सैंडी अपने बाकी बचे हुए पैसों के लिए अपने बॉस के पास जाती है, लेकिन तभी उसका बॉस उस पर गलत इल्जाम लगा देता है जिसके कारण सैंडी को वहां ऑफिस से धक्के मार कर निकाल दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब सैंडी अपने घर पहुंचती है तो उसके घर के बाहर एक गिफ्ट रखा हुआ था। इसके बाद वह उस गिफ्ट को खोलकर देखती है और उस गिफ्ट के अंदर एक चाबी होती है, जिसके बाद सैंडी को एक कॉल भी आता है जिसमें उससे कहा जाता है कि क्या तुम जॉब की तलाश में हो, तो हम तुम्हें एक अच्छी जॉब दे सकते हैं, बस उसे हमारा ये काम करना होगा। तभी सैंडी घर के बाहर खड़े हुए उस गाड़ी में बैठ जाती है और चाबी लगाकर वहां से चली जाती है, जिसको उसका बॉस देख हैरान हो जाता है। इस लड़के के पास रेंट देने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन ये आप गाड़ी लेकर कहां जा रही है। इसके बाद सैंडी उस कार में बैठकर बड़े मजे ले रही होती है और अपनी जॉब के लिए काफी खुश होती है। तभी हम देखते हैं जैसे जैसे सैंडी उस लोकेशन की तरफ जाती है वैसे वैसे उसका मन उदास होने लगता है क्योंकि वह एक सुनसान एरिया में आ चुकी थी। तभी वह अपनी गाड़ी को रास्ते में ही रोक लेती है और बगल में काट रहे लकड़ी वाले से पूछती है कि यह कौन सी जगह है। तभी वह लकड़ी वाला उस लड़की को बुरी नजर से देखता है। इसके बाद सैंडी समझ जाती है कि उसका यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, लेकिन उसे उस लोकेशन पर पहुंचना भी जरूरी था, नहीं तो वह अपनी जॉब से हाथ धो बैठेगी। इसके बाद सैंडी एक टूटे फूटे घर में जा पहुंचती है जहां पर उसका जीपीएस भी काम करना छोड़ देता है और वह वहां बहुत टेंशन में आ चुकी थी जिसके कारण उसका वापस जाने के लिए पेट्रोल भी नहीं बचा था। इसके बाद उसके पीछे एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी में वही लेडी होती है जिसने उससे जॉब का ऑफर दिया था। तभी वह सैंडी को लेकर एक घर में जाती है ताकि वह उस घर का अच्छी तरह से ख्याल रखे।
और उसे पूरी तरीके से साफ सुथरा रखे। इसके बाद वह उसे बताती है कि यह एक अमीर आदमी का घर है और वह साल में एक दो बार इस घर को देखने के लिए आता है, तो तुम्हें इस घर को अच्छी तरीके से साफ सुथरा रखना होगा और इस घर में कैमरे भी लगे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कीमती सामान है, इसलिए यहाँ पर बहुत से सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं। अब सैंडी को ये सारी बातें समझाकर वह लड़की वहां से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि सैंडी के पीछे वही मास्क पहने वाला किलर घर में घुस जाता है और सैंडी को यह पता तक नहीं चलता। इसके बाद हम सैंडी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी क्योंकि उसके पास अब रहने के लिए एक बड़ा घर होता है और पहनने के लिए काफी अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं, और वह इससे बड़ी आलीशान जगह को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी और अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी क्योंकि इस बड़ी जगह पर रहने के लिए वह काफी सालों से इंतजार कर रही होती है कि काश उसे काफी अच्छी जॉब मिल सके और वह ऐसे घर में रह सके। इसके बाद हम देखते हैं कि सैंडी हर एक दिन नए नए कपड़े पहनती है और वहाँ पर डांस भी करती है और किलर उस लड़की को बीच बीच में देख रहा होता है और बॉस भी कैमराज में उस लड़की को हरकत को देख रहा होता है और वह इन चीजों को काफी मजे लेकर देख रहा होता है। और वह बॉस वही होता है जिसने सैंडी को जॉब का लालच दिया था और जिसके कारण वह उस लड़की का भरपूर फायदा उठा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि उस आदमी के पास बहुत सारी बोतलें होती हैं जिस पर अलग अलग लड़कियों के नाम लिखे हुए थे और उनके अंदर उन लड़कियों के मास्क के टुकड़े भी रखे हुए थे। तभी हम देखते हैं कि एक कांच की बोतल पर वह आदमी एक लेबल चिपका रहा होता है जिस पर सैंडी का नाम लिखा हुआ था और अगला नंबर सैंडी का ही था। इसके बाद हम देखते हैं कि सैंडी बाथरूम की तरफ जा रही होती है क्योंकि वह नहाने वाली थी। तभी वहां पर किलर आ जाता है और सैंडी को मारने वाला होता है, लेकिन बॉस उसे इन्फॉर्म करके मना कर देता है क्योंकि वह लड़की बिना कपड़ों की थी और उसे काफी मजा आ रहा था और इसी कारण से वह किलर को वहां से जाने के लिए कहता है, जिसके बाद किलर काफी गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद जब सैंडी सुबह उठती है तो दरवाजे के बाहर एक मरा हुआ जानवर देखती है और वह उसके पैरों में आ जाता है जिसके कारण सैंडी काफी ज्यादा डर जाती है और वह जानवर सैंडी को डराने के लिए उसके सामने रखा गया था। इसके बाद जब किलर उसके घर में आता है तो हम देखते हैं कि उसका घर एक मुर्दा घर जैसा था क्योंकि वहाँ उसके घर में बहुत सारे इंसानों के अंग टंगे हुए थे और कई लोगों के शरीर के आधे हिस्से वहाँ पर पड़े हुए थे जो कि देखने में काफी खौफनाक लगते थे। और वह किलर इतना ज्यादा खतरनाक था कि वह लोगों को काफी बुरी तरीके से मारता था क्योंकि उसे लोगों को मारने में काफी मजा आता था। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैंडी सो रही होती है और वहाँ पर किलर चाकू से उसे टच करने लगता है और धीरे धीरे वो नीचे की तरफ जाता है जिसके कारण सैंडी की आंखें खुल जाती है और वह सब जगह देखती है लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आता। इसके बाद अगले दिन जब सुबह होती है तो सैंडी हॉट बाथटब में नहाने के लिए जाती है जहां पर वो पुलिस ऑफिसर को देखती है जो कि काफी गंभीर हालत में था और वह उससे पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई गाड़ी है। तभी वह उसे बताती है नहीं उसके पास कोई गाड़ी नहीं है और यह पूछते पूछते वह पीछे की तरफ गिर जाता है। तभी सैंडी उस पुलिस ऑफिसर का ट्रीटमेंट करने के लिए अंदर लेकर जाती है और उसके चोट पर दवा लगाती है जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर होश में आ जाता है और यह सारी हरकतें वो अमीर आदमी कैमराज में देख रहा होता है। तभी वह अपने आदमियों से कहता है कि इस आदमी को बुरी तरीके से मारा जाए। तभी वो पुलिस ऑफिसर लड़की को सारी बातें बताता है कि यहाँ पर एक किलर छुपा हुआ है और यह किलर सभी लड़कियों को बहुत बेरहमी से मारता है, इसलिए वह उसे पकड़ने के लिए यहाँ पर आया था और वह जेल से भागा हुआ एक कैदी है जो कि ऐसे जंगल में कहीं पर छुपा हुआ है। और ऐसे ही कुछ देर बातें करने के बाद तभी वह पुलिस वाला सैंडी से पूछता है कि उसके जैकेट कहाँ पर है। तभी सैंडी उसे बताती है कि उसने तो सारे जैकेट धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल रखे हैं। तभी हम देखते हैं कि वह पुलिस ऑफिसर उस जैकेट को निकालने के लिए वहाँ पर जाता है तो उसके अंदर डायनामाइट होता है जो कि बहुत जल्दी फटने वाला होता है जिसके कारण सैंडी यह देखकर हैरान हो जाती है। इसके बाद वह उस डायनामाइट को बालकनी में रख देती है। तभी उस अमीर आदमी के लोग पुलिस ऑफिसर पर हमला कर देते हैं और पुलिस ऑफिसर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकलता है। तभी हम देखते हैं कि घर के अंदर किलर सैंडी को मारने के लिए आ चुका है। तभी सैंडी उस ग्रेनाइट को लेकर वहां से भाग जाती है और वह जंगल में जाकर छुप जाती है, लेकिन किलर उसका पीछा करते आ चुका था। तभी वह ग्रेनाइट को उस घर के अंदर फेंक कर मारती है जिसके बाद सब कुछ धुंधला हो जाता है और वह दोनों कुछ भी ढंग से नहीं देख पा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि किलर उस लड़की को पकड़ लेता है और वह उसे टूटे हुए पेड़ पर लेटा देता है। तभी हम देखते हैं कि किलर बहुत ही ज्यादा खौफनाक काम करने जा रहा था जिसको देखकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि किलर उसकी स्कर्ट को ऊपर करता है
और पेड़ से एक लकड़ी का टुकड़ा तोड़ता है और वो गलत काम करने वाला ही होता है कि तभी पीछे से आकर पुलिस वाला उसे शूट कर देता है, जिसके बाद सैंडी वहां से भोगा देखकर वहां से भाग जाती है। तभी वह अमीर आदमी उससे घर से भागता है क्योंकि उस पुलिस वाले ने उसके सभी आदमी को मार डाला था। तभी वह गाड़ी लेकर जंगल के रास्ते भागने लगता है और उसे रास्ते में सैंडी मिल जाती है और सैंडी वहां रास्ते में उससे मदद मांगने लगती है और उसके साथ कार में बैठकर वहां से निकल जाती है। लेकिन सैंडी को कुछ नहीं पता होता कि वह यही आदमी है जो कि अब ये काम करवा रहा होता है और जिसने उसे जॉब का ऑफर दिया था, और अनजाने में वह उस आदमी के साथ चली जाती है जिसने उसे धोखा दिया था और जिसने उसे बुरी तरीके से फंसाया था, और वह कार में बैठ जाती है और इसके बाद मूवी खत्म दिखाई जाती है और मूवी का एंड यहीं पर हो जाता है। और उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आगे इस मूवी के बहुत से पार्ट्स आने वाले हैं तो इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।